सब्जी तोड़ने गई महिला की करंट लगने से हुई मौत। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा थाना अंतर्गत खेत पर सब्जी तोड़ने गई महिला को करंट लगने से हुई मौत। नागदा के समीप ग्राम रुपेटा के निकट करंट लगने से संपत बाई नामक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने खेत पर सब्जी बोने एवं उसे तोड़ने का कार्य करती थी। कल जब महिला के द्वारा सब्जी तोड़ने गई थी, उसी दौरान करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसके परिजनों के द्वारा ढूंढने पर आज सुबह महिला का शव खेत में मिला। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर मामले को जांच में ले लिया है। देखिए उज्जैन से मुरली राज पैरागी की यह रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम दिलीप परमार। मैं कल से ढूंढ रहा था मेरी मम्मी को, मेरे को मिले नहीं। सब दूर रिश्तेदारी में, सब दूर, मतलब यार सब दूर, मैंने पूछताछ करी उनसे, फ़ोन भी लगाया, सब दूर गया भी सही मिलने के लिए, नहीं मिले। फिर सुबह मैं नागदा ही था, गोविंद पंडा जी ने फ़ोन लगाया कि कहाँ है, मैं नागदा हूँ। बोले फिर मम्मी ऐसा ऐसा हो गया कि मैं जल्दी आ जा। अभी लगाया फ़ोन? हाँ, सुबह 6 बजे फोन आया। आपने घुसपैठ तलाश में कराई कुछ? मैंने सब दूर, मतलब नागदा वागदा सब दूर तलाश कर रही थी, एक रिपोर्ट डालने जा ही रहा था आदमी सुबह। उसे मतलब सुबह फोन नहीं किया, फिर मैंने वहाँ कल कितनी बजे से है या कोई शंका है इसमें? सर करंट हुई सर, करंट लग गया हो, करंट से हुआ। ठीक जी सर, नागदा से 5 किलोमीटर दूरी पर एक महिला का शव पाया गया है। ऐसे भी अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अवस्था में खेत में पड़ी हुई है, तो जांच टीम वहां पहुंची तो देखा कि महिला जो उसका खुद का खेत है, बगल में दूसरे का खेत है, पगडंडी पे तो तार निकले हुए, ये लोग तार डालते हैं घर, जो ये लोग संपत भाई वगैरह जो मृतक मृतका है वो अपने खेत में अपने परिवार के साथ रहती थी और सब्जी बेचने के लिए जो सब्जी बोती थी वो बेचने भी जाती थी। तो कल सुबह से ये निकली सब्जी तोड़ने के लिए, सब्जी तोड़ने का शाम को नहीं आई, कल रात में नहीं पहुँची। घर वालों ने सोचा, हो सकता था कहीं सब्जी बेचने गई हो, तलाश तलाश भी किया नहीं मिले। तो सुबह लोगों ने देखा कि पगडंडी पे मरी हुई पड़ी हुई, जिसके हाथों में तार के निशान हैं और उसका PM करा लिया गया है और डेड बॉडी सुपर्द कर दी परिजनों के। मृतका का नाम है संपत बाई, पति इंदूलाल, उम्र करीब 50 साल, निवासी रुपेटा के रहने वाली। पूरे प्रकरण में मर्ग कायम कर लिया, जाँच में पूरे मीटर।